नमस्कार डियर व्यूअर्स, वार्म वेलकम. यू ऑल आर वॉचिंग अस ऑन ई विद्या चैनल नंबर 10 एंड दिस इज अ लाइव इंटरएक्टिव सेशन प्रेजेंट बाय CIET NCERT. माय नेम इज सृजन राजपूत एंड दिस इज अ सेशन फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3. सो व्हाट वी लर्न इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम जरूर इस सत्र में उसे भी जानेंगे, लेकिन पार्ट 3 में हम आपके लिए बहुत कुछ नया लाए हैं. कक्षा 10 के बच्चे मैथमेटिक्स में आज नया सीखेंगे भी, और अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प भी ज़रूर मिलेगी हमारे आज के इस सत्र से. ई विद्या चैनल नंबर 10 पर देख रहे हमारे सभी दर्शकों के लिए और लर्नर्स के लिए बता दूं कि आप अपने प्रश्न हमसे कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के ज़रिए, एंड द नंबर इज़ 8800440559. Beyond this medium, you can write a mail to us on dth.class10@cit.nic.in. So, हम अब मिलवाते हैं आपको हमारे साथ हैं ऑनलाइन माध्यम से सविता ग्राहक मैम. मैम अभिनंदन, स्वागत है जी. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, और हमारे व्यूअर को भी बहुत बहुत नमस्कार. बताना चाहूंगी सविता मैम के बारे में. कोऑर्डिनेटर है मैम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से, हमारे साथ जुड़ी हैं लेकर विषय ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1. तो मैम, हमारे सभी व्यूअर्स लर्नर्स जानना चाहते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी आप वंस समराइज कीजिए और फिर पार्ट 3 में आप नया भी सिखाएं. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डिस्कस किया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं फॉर दिस टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि अभी तक ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हमारे व्यूअर्स क्या क्या जान चुके हैं. डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स जान चुके हैं दैट ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं, सो व्हाट आर द टी रेशियोज, कौन कौन से टी रेशियोज हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट एंड सिकेंट थीटा, एंड द लास्ट इज कोसिकेंट थीटा. So, हमारे व्यूअर्स जानते हैं देयर आर टोटल 60 रेशियोज, एंड दीज आर रेशियोज बिकॉज दीज आर पर्टिकुलरली शोइंग द रेशियोज बिटवीन वेरियस साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एस वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा. सिमिलरली वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द 60 रेशियोज इन आवर प्रीवियस सेशन. And then we have discussed about the relationship between the T ratios. As our viewers know, let us give a small example that cos theta equals base divided by hypotenuse. Our viewers also know that secant theta equals hypotenuse divided by base. Thus, we can say that cos theta is the reciprocal of secant, or secant theta is the reciprocal of cos theta. So this thing also have been discussed in our previous sessions. Then we were discussing about the trigonometric ratios of the standard angles. Now dear viewers, what do we mean by standard angles? We simply mean that the values of the T ratios at 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In our previous session, we have discussed with our viewers ki kis tarha se 30 degree, 45 degree और 60 degree इन तीनों angles के लिए हम अपने various T ratios की values को निकाल सकते हैं, calculate कर सकते हैं. And today we will discuss about 0 degree and 90 degree. Our viewers also have solved some of the problems related to trigonometric ratios. And today we are proceeding ahead in the same direction. First of all, we will discuss the T ratios of the standard angles which have not been discussed in a previous session, and these are the angles 0 degree and 90 degree. Agar hamare viewers janna chahte hain ki 30 degree, 45 degree aur 60 degree इन तीनों एंगल्स पर किस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि टेंजेंट 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, साइन 60 डिग्री that is equals to root 3 by 2. So that all have been calculated in our session 2. तो हमारे व्यूअर सेशन 2 को जरूर विजिट करें और गो थ्रू होकर वो समझ पाएंगे कि कैसे उन सभी एंगल्स के लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं. So let us discuss about 0 degree. If I have to find the values of various T ratios for 0 degree, for that case simply you can say we are making the base angle to be 0. Making the base angle to be 0, यहाँ हम देख सकते हैं that if I am taking the angle at point A, धीरे धीरे इस angle को अगर आप decrease, decrease और decrease करते जाते हैं, like you can see here,
सो जब आप इस एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं, बेसिकली क्या हैपन हो रहा है, एंगल को डिक्रीज करने के साथ साथ जो हमारी हाइट है द परपेंडिकुलर दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, और डिक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर आपकी हाइट वेनिश हो जाती है, और वो पॉइंट है व्हेन योर बेस एंगल बिकम्स 0 डिग्री। यानी अगर आपका बेस एंगल 0 डिग्री हो रहा है, इन दैट केस योर परपेंडिकुलर बिकम्स 0 यूनिट्स, योर बेस बिकम्स द सेम व्हाट वाज इट ए बी, क्योंकि बेस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, हमने बेस एंगल को डिक्रीज किया, और डिक्रीज करते करते हाइपोटेन्यूज जो है वो कोइंसाइड कर रहा है विद आर बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज अगेन यहां पर बिकमिंग इक्वल्स टू द बेस। आप देख सकते हैं धीरे धीरे हाइपोटेन्यूज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एट द लास्ट पॉइंट हाइपोटेन्यूज बेस को ही कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, और यू कैन से दैट बेस बिकम्स इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। सो अगर इस केस में हमें किसी भी टी रेशियो की वैल्यू निकालना चाहती हूं, लेट इट बी साइन 0 डिग्री, हमारे व्यूअर्स जान चुके हैं दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दिस पर्टिकुलर केस द परपेंडिकुलर बिकम्स 0 यूनिट, एंड 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ए बी हियर बिकम्स 0। सो डियर व्यूअर्स द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री इज 0। ठीक इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट 0 डिग्री, यू ऑल नो इट वेरी वेल दैट कॉसिकेंट थीटा is the reciprocal of sine theta. So the value of cosecant 0 degree becomes 1/0, and you can say that is equals to infinity. ठीक इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दिस केस यू कैन सी दैट द बेस एंड हाइपोटेन्यूज बोथ आर बिकमिंग इक्वल, एंड फ्रॉम हियर वी आर एबल टू से सिंपली दैट द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। Now let us proceed towards 90 degree. T ratios for the angle 90 degree. अभी क्या करना है, धीरे धीरे इस एंगल को इंक्रीज करने की बात हो रही है। बेस एंगल को इंक्रीज करने का मतलब है इस बार आपको बेस धीरे धीरे डिक्रीज करते जाना है। जैसे ही आप इस बेस को, पहले आपका बेस वॉज दिस, यू आर डिक्रीजिंग इट, अगेन डिक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, एंड देयर विल बी अ स्टेज जब आपका ए बी वेनिश हो जाएगा, दैट मीन्स ए बी विल बी 0, और ए बी वेनिश होने के साथ साथ ए सी जो है वो कोइंसाइड कर जाएगा विद बी सी। इस केस में क्या हुआ, हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और आपका जो बेस है वो धीरे धीरे वेनिश हो गया, और बेस एंगल जो है वो ड्यू टू परपेंडिकुलर ही अभी बचता है, तो दैट एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर अभी मैं जानना चाहती हूँ द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इन दिस पर्टिकुलर केस हाइपोटेन्यूज कोइंसाइड्स विद परपेंडिकुलर, देयरफॉर द आंसर विल बी 1। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं द वैल्यू ऑफ कोस 90 डिग्री इज 0, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री इज 1, cos 90 0, why? क्योंकि इस बार आपका बेस जो है दैट इज बिकमिंग 0। सो नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से जानेंगे और समझेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन और आज के सेशन में अभी तक डिस्कस किया है, ऑन द बिहाफ ऑफ दीज टू थिंग्स आप बोल सकते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अलॉन्ग विद दैट साइन थीटा विल ऑल्सो भी इंक्रीजिंग। जैसे कि अभी आपने जाना कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, यानी साइन थीटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट इन केस ऑफ कॉस थीटा इट इज द रिलेशनशिप इज नेगेटिव, अपोजिट आई शुड से। अगर थीटा इंक्रीज करता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो उस केस में कोस थीटा डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1 डिग्री टू 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एंड कोस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। आफ्टर दिस इफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, इन दैट केस टेंजेंट थीटा दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू इनफाइनाइट, बिकॉज हमें पता है, अभी हमने समझा है दैट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, इन दैट केस द वैल्यू टर्न्स टू इन्फिनिटी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा, और आई कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सिकेंड,
So cos theta equals to 1 upon secant theta. The maximum value of this is always 1. ठीक इसी तरह से the maximum value of sin theta that is also 1. But the maximum value of tangent theta, जैसे कि हम जानते हैं कि tangent 90 degree की value होती है infinity. So its maximum value goes to infinite. It is infinity. Then let us discuss the fifth point. Cos theta decreases from 1 to 0 as theta increases from 0 to 90 degree. Thus we can say that cos theta and sin theta cannot be greater than 1 numerically. Abhi humne fourth point mein bhi discuss kiya hai that the maximum value of cos theta is 1. कोस थीटा की वैल्यू थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए यानी एंगल आपके कितने भी डिग्री क्यों ना हो कोस थीटा एक्सीड नहीं करेगा 1 को बिकॉज अभी हमने जाना है कि कोस 90 डिग्री होता है 1 के इक्वल कोस 90 डिग्री होता है 0 के इक्वल कोस 0 डिग्री होता है 1 के इक्वल ठीक इसी तरह से साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 यानी हम बिल्कुल बोल सकते हैं that the value of cos theta and the value of sin theta cannot be greater than 1 for any value of theta. Here it is written numerically means when you will discuss about cos theta and sin theta उनकी value कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती and if I am talking about trigonometry for the angles from 0 degree to 90 degree which is there in your syllabus so आप बोल सकते हैं कि value of cos theta and value of sin theta lies between 0 and 1 including both 0 and 1 then let us discuss कि किसी तरह से secant theta जो कि reciprocal है cos theta का and cosecant theta which is the reciprocal of sin theta इन दोनों की value less नहीं होती 1 से क्योंकि reciprocal से आप समझ पाएंगे जैसे एक छोटा सा example ले लेते हैं sin 30 degree the value is 1 upon 2 but if I talk about the value of the reciprocal which is cosecant 30 the value is 2 divided by 1 तो cosecant and secant theta इन दोनों की ही values 1 से छोटी कभी भी नहीं होती then the last point is that the value of tan theta and cot theta these can have any real value tangent theta की value कोई भी real value हो सकती है अगर आप बात करेंगे negative angles की या फिर if you are talking about the angles outside of 0 degree to 90 degree तो that you will discuss in your class 11 definitely and you will come to know कि tangent theta की value और cot theta की value negative infinity to positive infinity तक कुछ भी हो सकती है now let us discuss कि अगर आपके पास कोई दो acute angles हैं let these two acute angles are angle B and angle Q and आपके पास sin B is equal to sin Q given है in that case angle B angle Q के equal होगा that is for sure ये proof करने के लिए simply आप देख सकते हैं अपने given दोनों ही triangles में sin B equals to sin Q so I have drawn here two triangles the first is P Q R right angled at R and the second is A B C right angled at point C sin B आप लिख सकते हैं perpendicular upon hypotenuse which is AC divided by AB ठीक इसी तरह से the value of sin Q which is PR divided by PQ और अगर आप यहां से cross multiply कर देते हैं इन दोनों values को तो you are able to get that AC upon PR is equal to AB divided by PQ Dear viewers, यहां से simply आप इन दोनों ही triangles को prove कर देंगे similar that the triangle PRQ is similar to triangle ACB. लेकिन ध्यान रखना होगा कि वो prove करने के लिए आपको third side का भी जो ratio है क्योंकि आप previous chapter triangles की similarity को prove करते हुए जान चुके हैं there is a SSS similarity rule. तो यहां आप देख सकते हैं AC upon PR this and this side and Nukurji then AB divided by PQ or third sides we aap calculate kar lenge by equating this thing to be K and then you will be able to find the value of PQ you will be able to find the value of BC and you will see ke
वो जो रेशियो आ रहा है बीसी और क्यूआर का, वो भी इक्वल आ रहा है इन दोनों रेशियोज के। अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन ट्राइंगल जी ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट बी, आपको गिवन है कि 90 डिग्री एंगल इज एट पॉइंट बी। BC is given to be 5, BC is given to be 5 centimeter. Angle BAC, this angle is given to be 30 degree. और आपको calculate करनी है value of AC. तो dear viewers, आप जान लेंगे, समझ लेंगे कि trigonometry के use से ही equation करना possible है। कैसे आप calculate कर पाएंगे BC, जो कि यहाँ पर perpendicular है, which is 5 centimeter. हमारे viewers जानते हैं कि अगर मुझे sine 30 degree की वैल्यू लिखनी है तो मैं लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग हियर 5 अपॉन एसी, और इजीली आप बोल सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए बी की, तो आप टेंजेंट 30 डिग्री का भी यूज कर सकते हैं और कोस 30 डिग्री का यूज भी आप कर सकते हैं। Here is a question which is very important for our viewers, and what this question is saying, tangent A plus B equals to 1, sine 2A minus B equals to 1, हमें values find करने हैं of angles A and B, where A and B both are the acute angles. So how you will be able to find, आप बोल सकते हैं that tangent A plus B equals to 1, तो जो अभी आपने T ratio से ये value calculate करना सीखा है कि कितने degree के लिए कौन सी टी रेशियो की वैल्यू क्या है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप बता सकते हैं दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक इसी तरह से साइन 2a माइनस बी दैट इज गिविंग अस 1, और हम जान चुके हैं कि 1 वैल्यू होती है साइन 90 डिग्री की। सो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी या साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव, इन दैट केस बोथ ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल and we are able to get here two linear equations. इन दोनों linear equations को आप solve करेंगे, आप देख सकते हैं dear viewers कहीं पर similar triangles concept का use हो रहा है, कहीं पर linear equations का use हो रहा है, तो all the concepts जो आपने पिछले chapters में use किए हैं वो यहाँ पर equally use हो रहे हैं। Now solve both of these equations, आप elimination method use कर सकते हैं and you will be able to find the value of angle A. ठीक इसी तरह से put that value here to find the value of angle B. Now let us see, here is the trigonometric table. ये सभी values हम निकालने सीख चुके हैं sin 0 degree से sin 90 degree तक, this table is here, जहां पर sin 0 degree, sin 30 degree, sin 45 degree, ठीक इसी तरह से cos और tangent theta, इन दोनों की values भी standard angles के लिए given है, और हमारे viewers को ये table complete करनी है खुद से, and you can share the solution done by you with us, cosecant theta, आप जानते हैं that is the reciprocal of sin theta. तो अगर वैल्यू है sin 45 डिग्री की 1 अपॉन रूट 2, तो cosecant theta होगा that is root 2 divided by 1. Now let us proceed towards a few questions related to trigonometric identities. Very important topic. Identity means कौन से दो t ratio ऐसे हैं जिनके मिलने पर answer will become 1. Okay. So these three identities are sin square a plus cos square a equals to 1, secant square a minus tangent square a equals to 1, and cosecant square a minus cot square a that is also equals to 1. So यहां से अगर हमारे viewers दो नई बातें कहना चाहते हैं, what? That sin square a is equal to 1 minus cos square a and cos square a equals to 1 minus sin square a. So they are completely right. ठीक इसी तरह से secant square a equals to 1, क्योंकि यहां पर sin of negativity is there, minus का sin है, तो dear viewers you will be there with secant square a equals to 1 plus tan square a, and tan square a equals secant square a minus 1. आप
10 स्क्वायर ए को राइट साइड पर ड्रैग करते हैं, दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस वन बिकम्स नेगेटिव व्हेन यू आर टेकिंग इट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक इसी तरह से यहाँ से भी हमारे व्यूअर्स वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर ए एंड कोट स्क्वायर ए की। से जो आपने 6 फॉर्मूलाज लिखे हैं, दीज कैन बी यूटिलाइज्ड टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस। नूपुर जी, मैं जानना चाहूंगी अभी हमारे पास कितना समय है। मैम, हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हियर, राइट ऑल द अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। डियर व्यूअर्स, हमें क्या करना है, जैसा कि आपसे डिस्कशन हुआ है कि सभी के सभी टी रेशियोज, ऑल द 6 टी रेशियोज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो हमें यहाँ पर वो रिलेशन शो करना है। जैसे सेकेंड ए की फॉर्म में बाकी सभी टी रेशियोज को लिखिए, तो आप बहुत ही इजीली कोस ए को सेकेंड ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोस ए सेकेंड ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक इसी तरह से अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन सेकेंड एंड टेंजेंट इज सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। विद द हेल्प ऑफ दिस आप बोल सकते हैं आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेंजेंट स्क्वायर ए की इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए। सो यू विल टेक टेंजेंट स्क्वायर ए ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। यू आर एबल टू से that tan square a equals to secant square a minus 1, and from here, since we are taking about the angles from 0 to 90 degree, the value becomes under root of secant square a minus 1 for tangent a. Now you have calculated cos a, you have calculated tangent a, ठीक इसी तरह से अब हम जानते हैं that cot a is the reciprocal of tangent a. यहां से आप कह सकते हैं that the value of cot in terms of secant a is under root 1 divided by under root of secant square a minus 1. अब आप चेक कर लीजिए all the other t ratios, यानी 5 t ratios आपको निकालने थे, उनमें से 3 t ratios cos, tangent and cot, ये तीनों आप लिख चुके हैं secant की फॉर्म में, तो बचते कौन है sin and definitely cosecant. अगर आप sin की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ secant लिख पाएंगे तो डेफिनेटली आप कोसेकेंट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करते हुए सेकेंट की फॉर्म में लिख पाएंगे। yes. और साइन की वैल्यू को सेकेंट की फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली आप यूज करेंगे आइडेंटिटी को, एंड यू आर एबल टू से हियर दैट द वैल्यू ऑफ साइन ए ऑन टेकिंग एलसीएम एंड द स्क्वायर इज देयर, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ साइन ए बिकम्स अंडर रूट ऑफ सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 whole divided by secant a. Yes, ma'am. So this is the way to write all the t ratios in terms of any of the t ratio. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और सत्र वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था और आसान भी था। अगर हमारे पास जो हमारे व्यूअर्स के फीडबैक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी टीचर हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आपसे सीखना वाकई बहुत सरल और रुचि भरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं मैम सविता ग्राग, कोऑर्डिनेटर हैं मैम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम सत्र के लिए। जी धन्यवाद नूपुर जी, और मैं चाहूंगी अगर हमारे व्यूअर्स को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, वो अपने कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं और जैसा कि आपने बताया मेल भी कर सकते हैं। जी, तो आप अपने मेल, फीडबैक्स और अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचाते रहें। हम बस कुछ ही देर में अपना अगला सत्र लेकर आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। ये सत्र होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए साइंस ज्योग्राफी का। हम पढ़ेंगे मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। तो आप हमारे सभी माध्यमों से हमसे कनेक्टेड रहिए, अपने प्रश्न और अपनी प्रतिक्रियाएँ भी तैयार रखिए। मैं सृजन चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।